बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्रोफेशनल एथिक्स लेक्चर नंबर 3। ये बेसिकली किसी और ने बनाया हुआ है लेक्चर, तो ये मैं सिर्फ आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ और फॉर्मेट पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये बंदा पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू ग्रेजुएट इन कंप्यूटिंग फील्ड, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड वॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डू। तो ये तो आपसे पूछता है कि आप लोग क्यों कंप्यूटर साइंस करते हैं। कामन थिंग्स के बारे में पूछते हैं कि कामन हर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, लेकिन तीन चीज़ें जो है वो बहुत लाजमी है। सबसे पहला जो लाजमी चीज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कम्युनिकेशन स्किल है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि आपका कि मतलब वॉकिंग स्टाइल क्या है, मतलब आप कैसे बोलते हैं, बातें कैसे करते हैं, बिहेवियर आपका क्या है। तो ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों ने कोर्सेज इंग्लिश के पढ़े हैं, तो आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली या मतलब फॉर आप लोगों ने सीखा होगा कि कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे। नंबर दूसरा जो है वो टीम वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप अपनी कोलीग्स के साथ मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करेंगे। तो यू आर लर्न इट बाई डूइंग योर फाइनल प्रोजेक्ट। बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए, उसमें प्रोफेशनल बिहेवियर करने के लिए ये कोर्स आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटिंग, हम सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है, इन डिफरेंट फील्ड्स को हम डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटिंग, तो ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटिंग में रिक्वायरिंग गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम एंड क्रिएटिंग ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे या कंप्यूटर बनाएंगे, तो उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। कंप्यूटिंग के जो सब फील्ड्स हैं उसमें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो जो हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक है वो ये है कि आप लोग डिफाइन करें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो इंफॉर्मेशन इनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है इन सब का जो सबसे वसी फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है। ये इसका काम जो है वो प्रोग्रामिंग रेंज फ्रॉम थ्योरी, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर साइंस का है वो थ्योरी है, कि आप कंप्यूटर साइंस की जो थ्योरी है वो समझे, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग से लेके कटिंग एज डेवलपमेंट जो कंप्यूटर सॉल्यूशन जो होते हैं, जो मॉडर्न सॉल्यूशन है, उसकी तरफ आप लोग जाए। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का मतलब थ्योरी, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। CS fall into basically the following category, इसमें हम design and building software, software का design बनाते हैं, software बनाते हैं, develop an effective way to solve computing problem, किसी problem को solve करने के लिए एक effective तरीका बनाना, effective software बनाना, जैसे कि storing information in database बनाना, sending data over network or providing new approach to secure problems, data को secure करना, data को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, database बनाना, ये सब computer science का काम है। Designing new and better ways of using computers and addressing particular challenges in areas such as robotics, computer vision, robotics और computer vision के लिए बेटर वेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, ऐसे तरीके बनाना, ऐसे नए तरीके बनाना जिसमें कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स को हम आसानी से यूज़ कर सके और देख सके। प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लानिंग एंड मैनेजिंग जिसका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्यूटर के जो रिक्वायरमेंट्स हो, कंप्यूटर के जो यूज़ हो, उसको प्लान करना और मैनेज करना, ये कंप्यूटर साइंस का काम है। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंप्यूटर साइंस जो है ये एक वसी फील्ड है, इसका काम क्या है कि कंप्यूटर की थ्योरी को समझा जाए, प्रोग्रामिंग को समझा जाए और न्यू ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाए जिससे कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, इन किसी ऑर्गेनाइजेशन का चलना वो आसान हो जाए। दूसरा जो है हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो, इसको अक्सर लोग कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कहते हैं, इनका काम ज़्यादातर कंप्यूटर हार्डवेयर बनाना है।
The design of digital hardware and software system, including communication system. तो इनका काम ज़्यादातर होता है कि वो ऐसे digital devices बनाए, जैसे कि let's suppose focused on digital device and their interface with user, जैसे कि for example ये लोग बनाते हैं embedded system बनाते हैं, cell phones बनाते हैं, digital audio player बनाते हैं, digital video recorder, अलार्म सिस्टम, एक्सरे मशीन. तो इन लोगों का काम होता है कंप्यूटर बनाना, डिजिटल कंप्यूटर बनाना, माइक्रो प्रोसेसर बनाना, इंटेलिजेंट हार्डवेयर बनाना. ठीक है, एक्सरे मशीन एक इंटेलिजेंट हार्डवेयर है. तो वो तो ये बेसिकली हार्डवेयर बनाना कंप्यूटर साइंस का काम नहीं है. हमारा काम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के साथ है और थ्योरीज के साथ है. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तो एक ही चीज़ है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ नहीं है. दोनों का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री पे अपोजिट है. उनका हमारा काम है थीरीज स्टडी करना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, डिज़ाइन करना, रिसर्च करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना. उनका काम क्या है, हार्डवेयर बनाना उन सॉफ्टवेयर्स के लिए. जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, जो थ्योरी बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकली हार्डवेयर बनाना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम है. ठीक है. अच्छा, तो डिज़ाइन ऑफ डिजिटल एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर एंड डिवाइस दैट कंटेन कंप्यूटर फॉर देम प्रोग्रामिंग इज फोकस्ड ऑन डिजिटल डिवाइस. वो लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो डिजिटल डिवाइस के लिए ज़्यादातर वो रोम बनाते हैं. तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन फोकस है वो सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, सॉफ्टवेयर के लिए वो क्या कहते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉडल्स बनाना, जैसे कि स्पिरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है. तो उनका मकसद यह है कि सॉफ्टवेयर को के लिए ऐसे रूल्स हम बनाए, ऐसे मॉडल्स बनाए जिससे सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाए. ठीक है. Is concerned with the developing and maintaining software system that behave reliably and efficiently. उनका काम यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए और उनको मैनेज करें, उनको मेंटेन करें और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें. It is important because of the impact of large expensive software system and the role of software in satisfying critical applications. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर, जहाँ पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन मकसद जो ज़्यादातर डिपेंडेंस होता है वो उस सॉफ्टवेयर पर होता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डेवलप करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है. इट इंटीग्रेट सिग्निफिकेंट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड प्रैक्टिस हुज ओरिजिन आर इन इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के रूल्स को कंबाइन करके क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर बनाना. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम ही क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाना. ठीक है, इंजीनियरिंग किसी चीज़ को बनाने को कहते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये चौथे नंबर पर है. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों होती है, अक्सर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि उनका डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करके उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है और फिर मतलब उस डेटा को आर्काइव किया जाता है. आर्काइव मतलब किसी लंबे आरसी के लिए डेटा को स्टोर करना. तो ये काम किसका है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है. ज़्यादातर आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत कॉमन है. जैसा कि हमारा जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कॉलेजेस का, उसको कहते हैं MIS, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसमें हम मंथली या डेली चेंजेस करते हैं कि कौन कितने एम्प्लॉयज है, कितने स्टूडेंट्स है, प्ला क्लास में प्ला सब्जेक्ट में कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं. तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का तमाम तर डेटा को सेव करना, महफूज करना, प्रोसेस करना और उसको सिक्योर करना. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डेटा को सिक्योर करना. टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन विद ऑर्गेनाइजेशन. जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मेन काम है वो मैनेजमेंट टेक्निकल और मैनेजमेंट जो होते हैं, टेक्निकल लोग और मैनेजमेंट लोगों के को आपस में इंटीग्रेट करता है या उनको एक कम्युनिकेट करते हैं.
इसकी थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू टेक्निकल लोग और मैनेजमेंट के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और लास्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मतलब कंप्यूटर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोग कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कंप्यूटर को यूज़ हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि कंप्यूटर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है। फोकस ऑन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल यूज़र। इंडिविजुअल यूज़र जो क्या करेगा, वो कंप्यूटर को अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मकसद यह है कि कंप्यूटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाए, कंप्यूटर के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाए, प्रोसेस किया जाए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि हार्डवेयर हम कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वो काम उन्होंने छोड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि इसको बरकरार लाया जाए, बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम फिर प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।